सीतापुर नेत्र चिकित्सालय गोरखपुर में मंगलवार को इलाज कराने पहुंचे मरीजों को दर दर भड़कना पड़ा। यही नहीं, अस्पताल में तैनात डॉक्टर रजत कुमार की गैर मौजूदगी में अस्पताल की एक महिला कर्मचारी द्वारा अस्पताल के बाहर खोले गए प्राइवेट नेत्र चिकित्सालय में मरीजों को भेजने का आरोप भी मरीज द्वारा लगाया गया है। आपको बता दें, मंगलवार को दोपहर 12 बजे सीतापुर नेत्र चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर रजत कुमार किसी सरकारी कार्य के कारण अस्पताल से कुछ देर के लिए बाहर चले गए। इस दौरान इलाज कराने पहुंचे मरीजों को अस्पताल में तैनात महिला कर्मचारी द्वारा प्राइवेट में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के बैठने का हवाला देते हुए वहां भेजकर उनका प्राइवेट इलाज कराया गया। वहीं संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीतापुर नेत्र चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर रजत कुमार ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी जांच कर संबंधित के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित मरीज युवक अविनाश और सीतापुर नेत्र चिकित्सालय गोरखपुर में तैनात डॉक्टर रजत कुमार ने कहा। मेरा नाम अविनाश यादव है, मेरे पिताजी का नाम श्री सत्यन कुमार यादव है, मैं बास गांव का मूल निवासी हूँ, गांव का नाम है हरिहर भैसा। आए थे यहाँ पे गोरखपुर आग दिखाने, यहाँ पे हॉस्पिटल बंद है, फिर यहाँ पे एक दाई आंटी जो दाई रहती हैं यहाँ पे, यहाँ हमको बोली हैं कि यहीं के डॉक्टर प्राइवेट में बैठते हैं, चलो वहाँ दिखा देते हैं। वहाँ 100 रुपया फीस लगा है, फिर प्राइवेट हम दिखाए हैं और 300 का दवा लगाया है, उसके बाद फिर हम आए हैं। अभी किस अस्पताल से आप दिखाने आए थे? जी यहाँ पे सीतापुर गोरखपुर नेत्रालय के हॉस्पिटल के पास आया था दिखाने, जहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं बैठे हैं। कौन से अस्पताल पे आपको प्राइवेट ट्रीटमेंट मिला? जी यहीं के डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर कमलेश शर्मा, यहीं इसी हॉस्पिटल से 10 कदम दूर बैठते हैं। आवास है या नहीं? वो छोटा सा क्लिनिक खोले हैं प्राइवेट में, ये नहीं पता उनका आवास है, पर मेरे हिसाब से उनका क्लिनिक प्राइवेट में खोले हैं। मैं डॉक्टर रजत कुमार, प्रभारी चिकित्सक से सीतापुर हॉस्पिटल। यही के डॉक्टर हैं, उनसे दिखवा लिया जाए तो किसी आया इसके संबंध में क्या? मैं अभी तो मुझे इस बारे में अभी संज्ञान में आया है कि ऐसा ऐसा कुछ प्रकरण हुआ है, मुझे मैं यहाँ पे था नहीं, मैं चला गया था मीटिंग में विकास भवन, तो अब मेरे संज्ञान में क्योंकि आया है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए और कोशिश करूँगा कि ये चीज़ ऐसे कुछ हो ना, वैसे ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन तब भी इसको मैं हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ ना होने पाए। ये कोई डॉक्टर कमलेश करके आपके यहाँ है क्या? डॉक्टर साहब जो थे वो पहले यहाँ पे प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक थे, जो कि अब नहीं है, अब मैं ही हूँ यहाँ पे, और वो डॉक्टर साहब अपना बाहर प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब अपनी प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ अस्पताल में अपने मरीज आते हैं, लेकिन अब संज्ञान में क्योंकि आया है तो इसको हम देखेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन और आगे से भी नहीं होगा।